नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से तापमान के वितरण पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें कि तापमान का अक्षांशों के अनुसार अर्थात क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण और किस प्रकार से तापमान इनके साथ में प्रभावित होता है, कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा, और इनको क्षैतिज वितरण को किन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इन बातों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मुख्य दो तीन पॉइंट इसमें बनते हैं जो विशिष्ट होते हैं। तो बात कर लेते हैं मुख्य रूप से कि यहाँ तापमान का वितरण भी, इससे पहले हमने तापमान के बारे में अध्ययन किया था, अब इस यहाँ बात करते हैं क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज वितरण होता कैसे है, किसके अनुसार क्षैतिज वितरण देखा जाता है? तो ग्लोब के ऊपर अक्षांशों के अनुसार तापमान का क्षैतिज वितरण देखा जाता है, और यह क्षैतिज वितरण अक्षांशों के अनुसार ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मानचित्र पर तापमान के क्षैतिज वितरण को, यानी कि मानचित्र है और मानचित्र पर आप क्षैतिज वितरण दिखाना चाहते हैं, अक्षांशों के अनुसार दिखाना चाहते हैं, तो किसके द्वारा दिखाओगे, ये बात पूछी जाती है। तो वितरण को समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब मुख्य बात आती है जनवरी और जुलाई में तापमान की क्या स्थिति ग्लोब पर रहती है, और ये दोनों जो जनवरी और जुलाई की बात होती है, तो इसमें ग्लोब का एक गोलार्ध, और जैसे जनवरी में आप देखेंगे तापमान का, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या तापमान की स्थितियां रहती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, और वैसे ही जुलाई में तापमान को आप देखेंगे तो किस प्रकार की परिस्थिति बनती है तापमान की, तो इनको देख लेते हैं। इसमें जो मुख्य सी बातें हैं कि देखिए, जनवरी की जब बात कह रहा है कि जनवरी में आप तापमान का जब क्षैतिज वितरण देखेंगे, अक्षांशों के अनुसार वितरण देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, इस समय सूर्य किस रेखा पर होगा, मकर रेखा पर। किस पर होगा? मकर रेखा पर। देखिए, जब जनवरी में सूर्य मकर रेखा पे होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ठंड रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता है, जो वितरण है स्थल का जल का जो वितरण है वो विषम है, इसलिए स्थल खंडों की यहाँ अधिकता होती है, और उसके कारण क्या है, जो समताप रेखाएं ना वो अनियमित होती हैं और पास पास होती हैं, और जब पास पास होती हैं तो तापमान की जो प्रवणता है वो भी बढ़ती जाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं नियमित तथा दूर दूर होती हैं, नियमित होती हैं तथा दूर दूर होती हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि वहाँ स्थल खंडों की अधिकता नहीं है, उधर जलीय भाग है, इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। अब जुलाई की मुख्य जो विशेषताएं उसकी बात कर लेते हैं। तो जुलाई के लिए कहा गया है कि अधिकतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में, कब, जुलाई में, तो मई जून जुलाई में भारत आता है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जुलाई किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं जुलाई में, तो आप उससे पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि अधिकतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में 10 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य रहता है। कौन किन अक्षांशों के मध्य रहता है? 10 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य रहता है, ठीक है, जो कि कर्क रेखा के आसपास, क्योंकि कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री पर रहेगी, जिसको कहते हैं आप। इस समय क्या होता है कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महासागरों पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। तापमान में अंतर आता है, जैसे स्थल और जल में कि जैसे आप जाएंगे तो तटीय भागों में ये स्थिति पैदा होती है, और महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। महाद्वीपों पर ये ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं, कब, जुलाई में, और महासागरों पर विषुवत रेखा की ओर ये समताप रेखाएं मुड़ जाती हैं।
दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति रहती है। अब बात कर लेते हैं कि महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है। ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर तापमान के बारे में हम चर्चा करते तो पहले भी इस प्रकार की बातें हुई हैं कि जब हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं और अक्षोभ मंडल की अगर सीधी सी बात करते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई आते ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, जिसको क्या कहा जाता है, तापमान का सामान्य पतन दर, सामान्य ह्रास दर के नाम से उसको जाना जाता है। तो सौभ मंडल में अगर ऊंचाई के साथ हम सामान्यतः बात करते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है या गिर जाता है, ये जिसको आप सामान्य ह्रास दर कहते हैं तापमान की। एक है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि डाटा थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए तो पूछ लिया जाता है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर कम होता है, तापमान जो कम होता है, उसका डाटा है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाओगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। चलिए बात कर लेते हैं कि भूतल पर सामान्यतः, भूतल पर अगर सामान्यतः बात करोगे तो कितना जो तापमान है वो रहता है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाए, सामान्य सा है पूछ लिया जाए। सौभ सीमा तक अपन जाते हैं, सौभ मंडल के ऊपर सौभ सीमा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो टेम्परेचर है वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो कम हो रहा है। अब इसके बाद में कहाँ बढ़ता है वो आपको देखना है कि समताप मंडल में, यानी कि 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि तापमान बढ़ने लगता है। आपको पूछे क्यों बढ़ने लगता है, भाई समताप मंडल में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए और विशेष रूप से ताप के द्वारा या ताप से संबंधित नहीं होना चाहिए, कि समताप मंडल है इसके नाम से ही आप वाकिफ हैं कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब क्या करें, अब इसमें क्या होता है कि ये जो है 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो समताप मंडल में ही आती है, और तो इसमें अब क्या होता है कि यहाँ ओजोन गैस की उपस्थिति होती है और ओजोन गैस की उपस्थिति की वजह से यहाँ तापमान बढ़ता है। अब ओजोन गैस की उपस्थिति की वजह से तापमान कैसे बढ़ता है, तो जो सूर्य से यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं ओजोन गैस उनको ऑब्जॉर्व करती है, और ऑब्जॉर्व करती है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो कहा जाता है कि लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापस तापमान आ जाता है। तो जहाँ बढ़ना चाहिए अब ऊपर में वहाँ घट रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो इस यहाँ समताप मंडल में, यानी कि ओजोन मंडल, अब ये पूछ लिया जाए समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है क्योंकि वहाँ ओजोन की अधिकता है, ओजोन गैस की अधिकता है, तो उसकी वजह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बन जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, समताप मंडल के बाद में मध्यमंडल जो आता है, मध्यमंडल में तापमान गिरने लगता है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रह जाता है। फिर इसके बाद में वापिस तापमान बढ़ने लगता है। तो ये जो तापमान की जो ऊर्ध्वाधर स्थिति है, इसमें तापमान की इस प्रकार से मुख्य रूप से जहाँ तक इफेक्टेड हैं, ऊपर भी है ये 6 चीज़ें, लेकिन जहाँ तक अपने को दी गई हैं उसमें बात की। अब इस टॉपिक से जुड़े जो मुख्य जो तथ्य हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कहा कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य से लगता है पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, बस इतनी सी बात होती है, प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो तापमान है लीबिया के अल अजीजिया, ठीक, में अंकित किया गया, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो तापमान है वो लीबिया के अल अजीजिया स्थान पर अंकित किया गया है अभी तक, जिसका तापमान बताया गया है ग्रीष्मकाल में 58 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में कि सर्वाधिक वार्षिक औसत जो तापमान है, सर्वाधिक वार्षिक औसत जो तापमान है इथोपिया के डलोल स्थान पर
पर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? उसका तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में है कि सबसे नीचा तापमान वो भी अंटार्कटिका के वोस्टक, कहाँ? अंटार्कटिका के वोस्टक में अंकित किया जाता है, सबसे नीचा तापमान। अगर सबसे नीचे जो तापमान की हम बात करें तो लगभग यहाँ -87 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ चला जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे कम वार्षिक औसत तापमान, सबसे कम वार्षिक औसत तापमान की जहाँ बात करते हो तो वह बताया जाता है क्षेत्र अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में पाया जाता है। लेकिन ये पोल ऑफ कोल्ड में अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है? सबसे कम वार्षिक औसत तापमान पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्वी साइबेरिया में जो बर्फोयांश स्थान है को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो बर्फोयांश को कहा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम करेंगे तापमान की विलोमता को लेकर के चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।